ये इदारा कभी भी दो आम शहरियों के केसेस को नहीं देखता, ये उन लोगों को देखता है जो किसी न किसी तरह से कौमी इदारों से मुंसलिक हूँ, जिन्होंने किसी न किसी नजर में कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया हो। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का आम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 24justice.pk और मैं हूं आपकी मेजबान हुमा मरियम। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आजकल हर जगह नैब के चर्चे हो रहे हैं, टीवी पर भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ और बहुत सारे टॉक शोज होते हैं जिसमें नैब के किरदार के हवाले से, नैब के काम के हवाले से, नैब की जिम्मेदारियों के हवाले से बात की जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नैब के हवाले से कि ये इदारा कब बना, इस इदारे को बनाने के मकासद क्या थे और ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है। नैब यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का इदारा एक ऑर्डिनेंस के जरिए से 16 नवंबर 1999 को कयाम में आया। इसके मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं, जबकि इसके कयाम के बाद इसके पहले चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सईद अमजद साहब थे। अब बात करेंगे कि इस इदारे को बनाने का मकसद क्या था या इसको बनाने की वजूहात क्या थी। सबसे अहम जो इसका मकसद था वो करप्शन की रोकथाम के लिए यह इदारा बनाया गया था और जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस इदारे की तौसी की थी। अब बात करते हैं कि नैब में अब तक कितने रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं और कितनी रकम जो है वो बरामद की जा चुकी है, रिकवर की जा चुकी है। नैब में अब तक 3484 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, जबकि उन्हीं रेफरेंसेस की बेस पे 304 मिलियन रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं कि इन्फोर्समेंट क्या है, यानी अगर किसी जगह करप्शन हो चुकी हो, गबन हो चुका हो, तो ये अपने इन्फोर्समेंट के जरिए से कानूनी तरीके से इसका हल निकाले और वो पैसा वापस दोबारा उसके हकदार तक पहुंचाए। नैब के अक्सर केसेस में प्ली बार्गेन का जिक्र बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो बात करते हैं कि प्ली बार्गेन है क्या, ये किस तरह से किया जाता है। हमारे मुल्क में प्ली बार्गेन वाला सीन बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर कोई शख्स किसी इदारे में 1 करोड़ रुपए की करप्शन करता है तो वो उसमें से कुछ पैसे वापस जमा करवा के रहा कर दिया जाता है। नैब का जो अपना दायरा कार है वो यही है कि गवर्नमेंट से रिकवरी की जाए। ये अमूमन एक ऑप्शन है, यानी कि अगर रकम कसीर तादाद में हो तो जो रकम आपके पास मौजूद है उसे देकर एक बीच का रास्ता निकाला जाता है और ये कानूनी नरमी तकरीबन हर जगह दिखाई जाती है। लेकिन ये याद रखा जाए कि हमेशा हर केस में प्ली बार्गेन ही नहीं होता, बल्कि अगर एंटी करप्शन कोई रकम बताती है तो वो उस शख्स को वो रकम खजाने में जमा करवानी पड़ती है। बात करेंगे कि नैब के इदारे का नस्बुल ऐन क्या है, किस नस्बुल ऐन के मुताबिक ये काम कर रहा है। इनका नस्बुल ऐन है कि बदनवानी का खात्मा, बाजरिया, बचाव, आगाही, निगरानी और खराबी का अहाता करते हुए जामे तरीका अपनाना। एक तरफ तो नैब की कारकर्दगी को सराहा जाता है, नैब ने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया, एक बड़ी रकम कौमी खजाने में वापस जमा करवाई, लेकिन दूसरी तरफ नैब पर उंगलियां भी हमेशा उठाई जाती हैं, उस पर तनकीद भी की जाती है। और आजकल भी कुछ ऐसा ही है कि लोग नैब पर ज़्यादातर उंगलियां उठाते हैं, उस पर यकीन करने को भी तैयार नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ केसेस और प्री बार्गेन केसेस नैब के लिए एक इम्तिहान बन चुके हैं। अब बात करेंगे कि नैब के काम करने का तरीका कार क्या है। नैब के काम करने का तरीका इंतहाई कानूनी तरीका है। इसमें सबसे पहले कंप्लेन दर्ज की जाती है, उसके बाद शिकायत दर्ज करने वाले के शनाख्ती कार्ड की एक फोटोकॉपी ली जाती है और जो सबूत उसे मुयस्सर हों वो नैब के इदारे को भेजा जाता है। नैब सबसे पहले इंक्वायरी के लेवल पर काम करता है और देखता है कि वाकई में कोई करप्शन हुई है, कोई गबन हुआ है, आया कोई मसला हुआ है। उसके बाद इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन से और तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद एक रेफरेंस दायर किया जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन और तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद एक रेफरेंस तैयार किया जाता है और उस रेफरेंस को कानूनी तरीके से नैब को भिजवाया जाता है। अब बात करेंगे कि नैब में रेफरेंस दायर करने के लिए क्या वाकई एक दरख्वास्त कुंदा होना ज़रूरी है, यानी कि किसी की तरफ से कंप्लेन कराना क्या ज़रूरी है। दरख्वास्त कुंदा का होना लाजमी नहीं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि किसी शख्स की तरफ से ही कंप्लेन करवाई जाए, बल्कि जहाँ पर कहीं करप्शन हो तो नैब खुद भी इनिशिएटिव ले सकता है।
और अगर किसी हुकूमती खजाने को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया हो, कोई बड़ा नुकसान किया गया हो तो नैब दरख्वास्त कुंदा के बगैर ही खुद भी रेफरेंस दायर कर सकता है। अब बात करेंगे कि नैब का दायरा कार क्या है, इसके इख्तियार किस हद तक हैं। नैब का दायरा कार यह है कि ये सिर्फ उन मामलों में आता है जिसमें कोई हुकूमती मुलाजम किसी जुर्म में मुलविस हो। ये कभी भी दो आम शहरियों के केसेस को नहीं देखता, ये सिर्फ उन लोगों को देखता है जो किसी न किसी सूरत कौमी खजाने से मुंसलिक हों और किसी न किसी नज़र में उन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया हो। यानी कि कोई भी ऐसा केस जो वसी पैमाने पर हो उसमें नैब अपना किरदार अदा करता है। ये उन केसेस में अपना किरदार अदा करता है जिसमें अवामुल नास को वसी पैमाने पर लूटा गया हो। आज की हमारी वीडियो से इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।